आज मुल्क की स्थिति ऐसी है, सभी को अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया है। यदि इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए तो इस मुल्क से अच्छा कोई दूसरा मुल्क हो ही नहीं सकता। ऐसा वक्त वे अपने जन्मदिन के मौके पर मिले बाबा अब्दुल खान ने एक मुलाकात के दौरान किए। फिल्मी हस्ती से लेकर एमएलए, सांसद, नगर सेवक, समाज सेवक सहित आम लोगों ने पहुंचकर उल्हासनगर में अब्दुल बाबा का जन्मदिन मनाया और उन्हें बधाइयां दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता से हुई अब्दुल बाबा की एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम सभी को धर्मों में बांट दिया गया है। इसकी वजह है इंसान की सोच बहुत छोटी हो गई है, जिसे बदल दिया जाए तो ठीक होगा, लेकिन इससे बढ़कर एक इंसानियत को बढ़ावा दिया जाए तो इस मुल्क से अच्छा कोई दूसरा मुल्क हो ही नहीं सकता। आइए सुनते हैं आगे क्या कहते हैं अब्दुल बाबा। बाबा जी, ये बताइए कि जो हालात वगैरह बदलने वाले हैं, आपका जन्मदिन ही कल गया है, पिछले जन्मदिन और इस जन्मदिन में क्या क्या बदलाव देखने को मिले और क्या हालात आने वाले समय में युवा पीढ़ी को देना चाहिए? देखिए, हालात बदलने की बात जो है वो इंसान को खुद के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम पहले साल 46 के थे, अभी 47 के हो गए, हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। हालात देश के क्या बदले, हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, हम जिस शहर में रहते हैं उसके हालात कैसे हैं, उसको कैसा सुधार लाना है, उसके लिए लोगों को सोच विचार करना चाहिए। कल हमारे से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए, जिसमें आम नागरिक से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के, समाज के हर लोग आए। हमने सबको यही बताया कि अगर हमको हमारे मुल्क को सुधारना है तो हमको एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी चीजों की कमी है जो नाइतफाकी लोग आपस में पैदा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में बांट दिया गया है। हम इस चीज पे ना तवज्जो देते हुए क्या हम सब मिलकर के एक इंसानियत वाला धर्म नहीं अपना सकते? हर आदमी को हिंदुस्तान में अपने अपने धर्म की अपने अपने तरीके से इबादत करने का हक है। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सब भाईचारगी से रहना चाहिए। हम हमेशा लोगों को ये बताते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है मगर लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है। आज हम लोग आपस में इतना एक दूसरे के खींचेतानी में लगे हुए हैं कि हम अपने मुल्क को भी इस बारे में पीछे लेके जा रहे हैं। अगर हम सोचेंगे और मुल्कों के मुकाबले तो हमारा मुल्क से अच्छा मुल्क दुनिया में कोई भी नहीं है, मगर हमारे लोग इतने ही जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, हम हमारे एरियो को साफ सफा नहीं रखते, गंदगी में रहना पसंद कर रहे हैं। अगर कोई एक आदमी वहां आकर के आपको ये सिखाता है कि भाई यहाँ ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसको 10 लोग मिलकर के उसकी मजाक उड़ाते। जी, कल आपका जन्मदिन बीता है और इस सेलिब्रेट में कौन कौन लोग, बड़े बड़े लोग, बिग शॉट लोग शामिल हुए थे जो आपको विश करने आए थे? देखिए, लोग मेरे पास गुरु समझ के मेरे पास आते हैं। हमारी नजरों में कोई भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रब है, ईश्वर है, खुदा है, हम सब उसके बच्चे हैं, सब एक समान है। मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ, मेरे से उम्र में बड़े बड़े बहुत आए थे, कोई मेरे पिता समान था, कोई मेरे भाई समान था, कोई मेरी माँ और कोई मेरी बहन समान था। दुनिया जिनको कोई एमएलए समझ के देख रहा है, कोई एमपी समझ के देख रहा है, कोई फिल्म स्टार समझ के देख रहा है, हमारे वहाँ जो भी आते हैं वो मुझे गुरु समझ के आते हैं और हम उनको शिष्य समझ के देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता, जो भी आए हैं वो अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और वो दूर दराज से जो आए उनको यहाँ पर आने के बाद कल्याण के जो वासियों ने उनका स्वागत किया, मैं कल्याण शहर के खास करके वालदुनी के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आए हुए मेहमानों को उन्होंने ट्रैफिक से थोड़ा कम बचाए, लोगों को रास्ता बना करके दिए। यहाँ के जो रहने वाले मकामी लोग हैं वो बाहर से, कलकत्ता से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुजरात से, गुजरात के राजपिपलास गांव के राजा मानविंदर सिंह साहब वो आए थे, उनके फ्रेंड लंदन से ड्यूक एंट्री वेट करके आए थे, ईरान से कुछ आए थे और कर्नाटक से आए थे, राजस्थान से आए थे। तो ऐसे जो बाहर से लोग आए थे उन लोगों को कल्याण के रिक्शे वाले हो या हमारे वालदुनी के रहने वाले लोग हैं, उनको रास्ता बराबर बता करके हमारे तक लेके आए और हम तो स्टेज छोड़ के कहीं गए नहीं, मगर उनकी जो सेवा करने का था
वो हमारे वाल्मीकि के लोगों ने किया। मैं इसी तरह हिंदुस्तान के सारे लोगों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो हम सब उनकी ऐसी इज्जत करें कि वो जाने के बाद फिर हिंदुस्तान आने के लिए सोचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री से आपको किस किस लोगों ने विश करने आए थे? अजीत पंचोली जी, जरीना वहाब, डॉली बिंद्रा जी, महिमा चौधरी जी, स्नेहा वाघ, शगुफ्ता अली, आनंद, रेशम टिप्पणी और बहुत सारे लोग, मुझे नाम ज्यादातर नहीं पता है, जो मेरी गद्दी पर आते वो सारे लोग आए। और फिरोज, वो महाभारत के अर्जुन, वो काफी लोगों का अगर नाम बोल रहा हूँ मैं तो माफी चाहता हूँ, जो गद्दी पर आते हैं वो सब लोग आते हैं मोहब्बत से। और ये सबसे मुझे खुशी की बात है कि बिना दावत के लोग आते हैं, अपना समझ के आते हैं, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपने गुरु का धर्म पालन कैसे करते हैं? इंसानियत के नाते हम नवरात्रि में जाते हैं, हम गणपति में जाते हैं, हमने चारों धाम की यात्राएं की है। हिंदुस्तान के अंदर सारा धर्म एक साथ है और मैं हिंदुस्तान को ही लेके नहीं चलूंगा, मैं पूरी दुनिया के लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मजहब है, ये इबादत के लिए, मगर उसके ऊपर एक चीज है इंसानियत। हम लोग इंसानियत वाला धर्म से चल रहे और हमको इंसानियत पे चलना है। मैं इस्लाम में पैदा हुआ हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, ये ठीक है, मगर इसके साथ साथ ये एक वक्त मुकर्रर किया है अल्लाह ने, उतने टाइम, बाकी टाइम के लिए मैं इंसान हूँ और इंसानियत ही धर्म सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। जी बाबा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार कल्याण शहर वाल्दुनी वाले और रिक्शा वाले जितने भी लोग थे, प्रेस वाले लोग थे, एचएमबी ग्रुप के लोग थे, उल्लासनगर अंबरनाथ के जितने भी लोग यहाँ आए, उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ और उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था कि आने हुए आए हुए मेहमानों के लिए पुलिस प्रशासन ने, ट्रैफिक वाले लोगों ने, सबने मिलके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया और ये जितनी बड़ी क्राउड जमा हुई थी वो बहुत जल्दी खलास भी हो गई। उसका वजह ये थी कि सबका हाथ लगा, इसलिए मैं सबसे एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सबका धन्यवाद जी। थैंक यू।